समंदर के किनारे खड़े दुनिया के सबसे बड़े जहाज, कार्गो हैंडलिंग करती एडवांस्ड ऑटोमेटिक मशीन्स, बिग साइज कंटेनर्स और हजारों की संख्या में दिन रात काम करते लोग। दोस्तों, ये है देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, जिसकी कहानी शुरू हुई 1998 में, जब देश में सिर्फ एक प्राइवेट पोर्ट था और वो था पोर्ट पिपावाव। लेकिन सिर्फ 23 साल के इस सफर में मुंद्रा पोर्ट न सिर्फ पिपावाव पोर्ट से आगे निकला, बल्कि देश के सभी मेजर माइनर पोर्ट्स को पछाड़ते हुए देश का नंबर वन प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट बन गया। पर ये सब इतने कम वक्त में हुआ कैसे, और क्या आप जानते हैं कि देश का ये सबसे बड़ा पोर्ट आखिर काम कैसे करता है और सालाना कितना कमाता है? नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंद्रा पोर्ट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक प्राइवेट रेलवे लाइन, प्राइवेट हवाई अड्डा और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी मुंद्रा पोर्ट को देश के किसी भी और बंदरगाह से अलग बनाती है, और अगर इसे देश का कार्गो हब कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इस पोर्ट के साइज और इनकम का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं, मिडल ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका से होने वाला 70% ट्रेड सिर्फ यही पोर्ट कंट्रोल करता है। यहाँ सामान को अनलोड और लोड करने से लेकर स्टोर करने तक हर काम को खास एडवांस्ड मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, और कार्गो सर्विस की हर स्टेज पर पोर्ट ऑपरेटर एक फिक्स्ड फीस चार्ज करता है, जिससे इस पोर्ट की मोटी कमाई होती है। लेकिन ये पोर्ट कितना और कैसे कमाता है, ये जानने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि देश का नंबर वन कमर्शियल पोर्ट काम करता कैसे है। हाउ मुंद्रा पोर्ट वर्क्स। समुद्र के रास्ते 1000 मील से ज्यादा का सफर तय करते हुए दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े कार्गो शिप्स मुंद्रा पोर्ट आते हैं, और इन शिप्स के पोर्ट पर आते ही अनलोडिंग टीम एक्टिव हो जाती है, और फिर एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस क्रेन्स और मशीन्स की मदद से शुरू होता है कार्गो शिप से सामान उतारने का काम। ड्राई कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए हाई कैपेसिटी ग्रैब शिप अनलोडर्स और मोबाइल हार्बर क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं स्टील और टिम्बर जैसे सॉलिड कार्गो को शिप से उतारने के लिए गोलायत क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन क्रेन्स में वैक्यूम लिफ्टर्स लगे होते हैं, ताकि उतारते या चढ़ाते समय सामान पर किसी भी तरह का डैमेज ना हो। इसके अलावा क्रूड ऑयल को शिप से कंटेनर में ट्रांसफर करने के लिए पोर्ट ऑपरेटर्स सिंगल पॉइंट मूरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन बिना जरा भी फ्यूल को वेस्ट किए मिनटों में हजारों लीटर ऑयल को क्रूड कैरियर्स में ट्रांसफर कर देती है। शिप से सामान को उतारने के बाद ट्रैक्स की मदद से कार्गो को स्टोरेज के लिए ले जाया जाता है। ड्राई, सॉलिड और लिक्विड कार्गो की स्टोरेज के लिए पोर्ट पर अलग अलग कार्गो हाउस बने हैं। ड्राई कार्गो जैसे गेहूं, चावल, चीनी, फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल को कंटेनर्स में भरकर वेयर हाउस में ले जाया जाता है, जहां प्रोडक्ट की फास्ट मूविंग के लिए कन्वेयर सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे माल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। साथ ही कोई सामान खराब ना हो जाए, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वेयर हाउस के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। साथ ही वेयर हाउस में काम करने वाले एम्प्लॉय सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करने के लिए, कंटेनर स्टेटस को अपडेट करने के लिए और बिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोडक्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को और बढ़ा देता है। इसी तरह क्रूड ऑयल को बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर टैंक फार्म में स्टोर किया जाता है, जहां से ये ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क की मदद से रिफाइनरी सेंटर्स भेजे जाते हैं। टैंक फार्म में क्रूड ऑयल के अलावा वेजिटेबल ऑयल्स, केमिकल्स, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। टैंक फार्म में हर लिक्विड को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह के टैंक्स होते हैं। क्रूड ऑयल और केमिकल्स को स्टोर करने के लिए मुंद्रा टैंक फार्म में ऐसे 97 अलग अलग टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें 426,999 किलोलीटर लिक्विड। और चूंकि ये पोर्ट का सबसे क्रूशियल और डेंजरस हिस्सा है, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक रडर गेजिंग सिस्टम की मदद से ऑपरेट किया जाता है। वही साल 2009 में मुंद्रा पोर्ट पर दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए रोल ऑन रोल ऑफ टर्मिनल की फैसिलिटी भी शुरू की गई थी, जिसके बाद अब मुंद्रा पोर्ट कार, बसेस और ट्रक्स को एक्सपोर्ट करने का काम भी करता है। साथ ही दोस्तों, स्टोर्ड कार्गो को ले जाने के लिए मल्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके दम पर ही अडानी ग्रुप अपने क्लाइंट्स को फास्टेस्ट डिलीवरी की फैसिलिटी देती है।
इस पोर्ट के टर्मिनल्स नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से कनेक्टेड है, जिस वजह से बाय रोड कार्गो को दूसरे राज्यों में पहुंचाना बहुत आसान है। खास तौर पर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के साथ पोर्ट की बाय रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वहीं अडानी ग्रुप APSEZ को NH-8 से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए नए रोड्स भी डेवलप कर रहा है। वहीं सुपर स्पीड से कार्गो डिलीवर करने के लिए यहाँ रेलवे का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इंतजाम गौतम अडानी ने यहाँ सालों पहले ही कर लिया था। अडानी ग्रुप ने साल 2002 में मुंद्रा आदिपुर रेलवे लाइन की शुरुआत की थी, जो देश की पहली प्राइवेट कमर्शियल रेलवे लाइन है। 210 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन नेशनल रेलवे नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिस वजह से ट्रेन के जरिए यहाँ से देश के किसी भी कोने में सामान पहुँचाया जा सकता है। और जिन कार्गो को सड़क या फिर रेल मार्ग से पहुँचाना पॉसिबल न हो, उनकी डिलीवरी के लिए कार्गो प्लेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके लिए मुंद्रा पोर्ट पर ही अडानी ग्रुप ने 2200 मीटर का एक प्राइवेट हवाई अड्डा डेवलप किया है, जिसमें रनवे के अलावा लॉजिस्टिक्स हब, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल और टर्मिनल बिल्डिंग्स भी हैं। और दोस्तों, अपनी इसी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और हाई स्टोरेज कैपेसिटी के दम पर आज मुंद्रा पोर्ट सालाना 144 मिलियन टन कार्गो से भी ज्यादा हैंडल कर पाता है। अब दोस्तों, कोई पोर्ट इतनी सारी फैसिलिटीज एक साथ देगा तो मन में सवाल तो जरूर उठेगा कि भैया इस पोर्ट की कमाई कितनी है और ये पैसे कमाता कैसे है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पोर्ट्स पैसा कमाते कैसे हैं। हाउ मुंद्रा पोर्ट मेक्स मनी, हाउ मुंद्रा पोर्ट अर्न्स मनी। दोस्तों, मुंद्रा पोर्ट हो या फिर दुनिया का कोई और बंदरगाह, किसी भी पोर्ट का प्राइमरी इनकम सोर्स कार्गो हैंडलिंग ही होती है। जब कोई कंपनी बल्क में सामान एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करती है तो सामान को लाने और पहुंचाने के लिए कार्गो शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पोर्ट कंपनीज ही ऑपरेट करती हैं। जैसे कि अब आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर कंपनियां डिलीवरी चार्जेस लेती हैं, उसी तरह ये पोर्ट्स भी सामान को पहुंचाने, लोड, अनलोड और स्टोर करने के लिए इन कंपनी से एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज और सब चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। और बात करें अगर अडानी पोर्ट्स एंड SEZ की, तो इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 15,235 करोड़ रुपए है, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर मुंद्रा पोर्ट का ही है। और अगर यही फैसिलिटीज हमारी सरकार के अंडर आने वाले मेजर पोर्ट्स भी दे पाते तो शायद वो लॉस में नहीं होते और मुंद्रा पोर्ट की ही तरह अरबों की कमाई कर रहे होते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुंद्रा पोर्ट के एडवांस्ड वर्किंग स्टाइल को सरकारी पोर्ट्स को भी अपनाना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव मजेदार वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।